हेलो एवरीबॉडी, आप सभी हैं अभी एवरीडे स्माइल चैनल पर। मैं सुधा सिंह आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं ढाबा स्टाइल में पनीर बनाने जा रही हूँ, तो आइए इसके बनाने के तरीके को देखते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है 500 ग्राम पनीर, जिसे मैं स्क्वायर शेप में काट ली हूँ। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। ये देखिए, इसमें डालेंगे लाल मिर्ची, ये है कश्मीरी लाल मिर्ची, इसे मैं डाल रही हूँ। इसमें लाल कश्मीरी मिर्ची है। इसके बाद डालेंगे तीखी वाली मिर्ची, थोड़ी सी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक। अब इन सबको मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। सभी को मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और 10 मिनट के लिए इसे रख देते हैं। पनीर के टुकड़े जो मैंने मसाला लगा के रखे थे, 10 मिनट हो गए हैं। अब इधर एक कढ़ाई में मैंने एक छोटी चम्मच रिफाइंड तेल डाली है और इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच घी। आप चाहें तो इसके जगह बटर भी डाल सकते हैं। रिफाइंड तेल या किसी भी तेल में आप मिलाकर अगर घी डालेंगे ना, तो धुआं उतना नहीं होता है, और सिर्फ घी और बटर डालिए तो बहुत अधिक धुआं होने लगता है। इसलिए मैंने यहाँ पे इन पनीर के टुकड़ों को सेकने के लिए घी और तेल दोनों मिक्स करके डाला है। अब इसमें पनीर के टुकड़े डाल देती हूँ। और इसे हल्के हाथों से चलाते हुए सेक लेंगे। गैस का फ्लेम एकदम मध्यम में रखेंगे सीम पे, ताकि पनीर जो है वो जले नहीं। पनीर के पीसेस जो है वो दोनों तरफ से एकदम पिंक कलर के सिक गए हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब सारे पनीर के टुकड़ों को निकाल कर मैं गर्म पानी में डाल दूंगी। यहाँ मैंने गर्म पानी रखा है। गर्म पानी में डालने से पनीर के टुकड़े जो है वो हार्ड नहीं होते हैं, ये एकदम सॉफ्ट रहेंगे। और इस पानी को फेंकना नहीं है, इसी से ग्रेवी तैयार करेंगे पानी से, क्योंकि इसमें घी है, मसाले भी हैं, तो इस पानी को फेंकूंगी नहीं। और अब आइए मसाले तैयार कर लेते हैं ग्रेवी के लिए। ये देखिए, इस तरह से डुबो देना है। इससे क्या होगा कि पनीर जो है वो सॉफ्ट रहेंगे। इसी कढ़ाई में सरसों का तेल 1 चम्मच मैंने डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे बड़ी इलायची, इसको हल्का सा क्रश कर दी हूँ मैं, 2 हरी इलायची, 2 पीस लौंग, 1 दालचीनी के टुकड़े। और अब इसी में डाल देते हैं प्याज को, मैंने जो कट करके रखा था, रफली कट जिस प्याज को मैंने काटा था, इसे डाल देते हैं। इसे 1-2 मिनट भून लेते हैं। प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं लहसुन की कलियां, जिसे मैंने छील कर रख लिया था, और साथ ही साथ अदरक के टुकड़े, जिसे मैं 2 भाग में काट दी हूँ, काजू के 5 पीस। अगर काजू है घर में तो डालिए, नहीं है तो नहीं डालने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब्जी टेस्टी ही बनेगी। इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक होती है, इसलिए मैं काजू डाल रही हूँ। और डाल देते हैं 1 कटा हुआ टमाटर। अब इसे भी 2 से 3 मिनट भून
लेते हैं, इसमें थोड़ी सी नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से गल जाए। थोड़ी सी नमक, और इसे अब 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। अब इसका ढक्कन हटा के देखते हैं, ये भुन चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा प्याज और टमाटर ठंडा होता है तब तक दही में सूखे मसाले फेंट लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1/2 कटोरी के करीब दही, क्योंकि टमाटर मैंने एक ही डाला था इसलिए मैं दही थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ। अब इसमें सूखे मसाले जाएंगे, तो इसमें मैंने डाला 2 चम्मच डाल धनिया पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच से भी कम लाल तीखी मिर्च। अगर आपके यहाँ ज़्यादा तीखा खाते हैं तो और मिर्च बढ़ा सकते हैं, और कलर आने के लिए 1/2 चम्मच से थोड़ा कम लाल कश्मीरी मिर्च, हल्दी पाउडर स्वाद अनुसार, गोल मिर्च पाउडर, ये देखिए गोल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच से कम, और अब इसमें डाल देते हैं रोस्ट किया हुआ बेसन 1 चम्मच। इसमें ज़्यादा है इसलिए मैं 1/2 ही डाल रही हूँ, वो 1 चम्मच से ज़्यादा है। मैं रोस्ट करके रख लेती हूँ और कभी ज़रूरत पड़ता है तो मसाले में मिक्स कर लेती हूँ। अब इन्हें मिक्स करके रख देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। इसमें मैं पनीर के टुकड़े, काजू, प्याज, टमाटर, गरम मसाले सभी डाले थे, और इधर दही में मैंने सूखे मसाले घोल कर रखे थे, और साथ ही साथ इधर मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें 1 चम्मच, ये देखिए 1 चम्मच तेल डाली हूँ सरसों का। आप किसी भी तेल में बना सकते हैं जो तेल आप लोग खाते हो। और इसमें डाल रहे हैं अब जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च, तेजपत्ता, और थोड़ी सी क्रश की हुई मेथी, कस्तूरी मेथी। अब इसमें डाल देते हैं ये पेस्ट, पहले इसको भूनेंगे क्योंकि ये कच्चा है। चम्मच की सहायता से भी सारा पेस्ट मैं इसमें निकाल के डाल देती हूँ। मसाला तैयार हो गया, ग्रेवी को पका लेते हैं। 1/2 कप पानी मैंने इसमें डाला है, इसी पनीर के पानी को मैंने इसमें 1/2 कप डाल दिया है। अब इसे ढक कर 3 से 4 मिनट पका लेते हैं मसालों को। अब ढक्कन हटा के देखते हैं मसाला को, देखिए तेल अलग हो रहा है किनारे से और बीच से भी, मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं ये पनीर के पीस, पानी से मैंने अलग करके रख लिया है, और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें मसाले का कोट लग जाए। ये देखिए इस तरह से, हमें इसके साथ भूनना नहीं है, सिर्फ इसको मिक्स कर देना है मसाले में। ये देखिए इस तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसमें डालेंगे पनीर, जिसमें डाले थे ना ये वही पानी है। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से पानी डालिएगा।
अगर चावल के साथ खाना है तो पानी थोड़ा सा अधिक रखिएगा, और अगर पूरी या पराठे के साथ खाना है तो पानी बिल्कुल ही ज़्यादा नहीं रखिएगा। एकदम लटपट वाली सब्जी बनाइएगा। ये देखिए, अब इसे ढक देते हैं, 2 से 3 मिनट के लिए ढक देते हैं, इसका ढक्कन लगा देते हैं। 3 मिनट हो गया है, अब इसका ढक्कन हटा कर देखते हैं। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है पनीर का, एकदम ढाबा स्टाइल वाला। अब इसमें डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच गरम मसाला, और इसे भी मिक्स करके 1 मिनट के बाद, 1 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे, उसके बाद गैस को बंद कर देंगे ताकि गरम मसाला जो है वो अच्छी तरह से इसमें अपनी खुशबू बिखेर दे। ये देखिए ढक देते हैं और गैस को बंद कर देंगे। एक मिनट बाद मैं ढक्कन हटाने जा रही हूँ। यह देखिए कितना सुंदर कलर आया है पनीर का, और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और पतला भी नहीं है। हालांकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्रीम और घी है, बटर भी है, तो और गाढ़ा होगा। ये पूड़ी और पराठे के साथ खाने के लिए, नान के साथ खाने के लिए एकदम परफेक्ट है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं पनीर को। पनीर बहुत ही टेस्टी बना है, और मैंने नमक पनीर को फ्राई करते समय डाला था, इसलिए मुझे ग्रेवी में आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर आप लोग ज़्यादा नमक खाते हैं तो ग्रेवी बनाते समय उसमें नमक डाल दीजिएगा, और अगर मेरे बनाने के तरीके पसंद आते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और जिन फ्रेंड ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। ओके, बाय।